याद है आपको पापा की साइड का, दादाजी का, नाना जी का, कुछ कैसे कपड़े पहनते थे, व्हाइट या कलरफुल या ऐसा कुछ? व्हाइट और धोती वगैरह, धोती पहनते थे। उत्तर गुजरात, तो मैंने बोला कि कौन सा मंदिर जाता, बोले अंबाजी का मंदिर जाता था मैं। प्रफुल्ल भाई ने बात करवानी आज गोबर निकालवा लगे। मैंने बोला अभी मैं पर ना पाड़ी पे गोबर नहीं निकालना, पोरो खाना, आराम करना, बने करते। प्रफुल्ल भाई को मैं बोल रही हूँ कि वस्ता भाई ज्यादा काम नहीं करवा रहे ना, नहीं बोल रहे कि नहीं अभी क्या है हमारे यहाँ का ये गोबर है थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो कमल और चाचा जी और वस्ता भाई सब मिलके कर रहे, तो प्रफुल्ल भाई भी थोड़ा सा उसमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे ताकि कुछ याद आ जाए कुछ बचपन का। प्रफुल्ल भाई ने जो इना माँ बाप मिल जाए तो मैं बोला कि तुम पासा आएगा कि नहीं आएगी, आटो मारो तो कि ना आएगी, जरूर आएगी। और अभी हम ये भी बोल रहे थे कि प्रफुल्ल भाई को मम्मी पापा मिल जाएंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी प्रफुल्ल भाई की शादी करवा देंगे, फिर सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपने लगन ने कंकोत्री दे है ना, आपने लगन करवाई जावा। हमें लग रहा है कि प्रफुल्ल भाई आसपास के गांव से कहीं आ जाए तो फिर ज्यादा आएंगे, वरना कहीं दूर का गांव निकला सूरत की साइड का तो नहीं आएंगे इतना जल्दी। आपको नींद आ गई थी प्रफुल्ल भाई? अच्छा अच्छा, हाँ नींद तो मेरे को लौटते ही आ गई थी। आप देरी से हैं? हाँ, 12 बजे के बाद आए होंगे शायद। गाड़ी में मेरे को नींद लग रही थी बार बार। राज भाई के घर गए हुए थे। घोड़ी का आया बच्चा कि नहीं आया? घोड़ी का बच्चा नहीं आया, उसने लेट कर दिया, बहुत लेट किया है। वो बैठा उठी कर रही थी। हाँ, आया नहीं बच्चा। ग्यारह महीने तो हो गए, 11 महीने के ऊपर 11 दिन। हाँ, आएगा जब भी देगा। 11 महीने के करीब हो गए। राज भाई सुन रहे होंगे वीडियो। सबसे ज्यादा कोई जगह है तो वो राज भाई जगह है, 1 महीने से ज्यादा से। कपिल तुमको क्या हुआ आज? बुखार आ गया। सबको सर्दी है, अभी तुमको बुखार आ गया। बच्चों को बुखार नहीं आता, उसको भगा देना है। ऐसा नहीं सोचना कि बुखार आ गया, क्या करना है बुखार को, उसको डरा के भगा देना है, ठीक है? कैसे? वो भाग जाएगा, अपने दिमाग से निकाल दो कि बुखार है, नहीं है बुखार, ऐसा सोचो, ठीक है? और चाची जी वहाँ पे देखो, जो राजू भाई है उसके मम्मी दवाई का जो छटकाव कर रहे हैं, तो चाची जी होते हैं वो पूरा काम करते हैं ऑलवेज साथ में। थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। भाई दो बोतल लेके आना, ऐसे कमल बोल रहा है। अभी क्या गाय अभी तो सब अंदर है, खाना खा रही है, थोड़ी देर बाद आएगी यहाँ पे बाहर भी। और प्रफुल्ल भाई थोड़े दिन रहेंगे तो गाय भी जान जाएगी। गायों में रहा हूँ मैं। हाँ, और अभी रामदेव और शिव अभी उठेंगे, ओम का कल एग्जाम है तो अभी आज रिविजन स्टार्ट करना पड़ेगा। कपिल स्कूल तो जाना है ना कि नहीं जाना है? बुखार है तो जाना है, पानी देना पड़ेगा। कमल क्या, मैंने बोला अभी बारिश नहीं है तो अच्छा है, कमल अभी बारिश को बुला रहा है ताकि इसको इस बार पानी नहीं देना पड़ा है ना। पूरी फसल में 3-4 महीने में पानी एक बार दिया ना, एक बार दे दिया। हाँ, एक बार दे दिया। अभी वस्ता कमल बोल रहे कि भगवान को दिन पानी देना नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अभी देना पड़ेगा, धूप बहुत ज्यादा है ना, अभी देना तो पड़ेगा। लेकिन कमल बोल रहा है कि आ जाए बारिश तो नहीं देना पड़ेगा। बोल रही हूँ कि थोड़े दिन बाद व्लॉग ऐड करना है क्योंकि प्रफुल्ल भाई के मम्मी पापा मिल जाएंगे तो वो चले जाएंगे। मम्मी पापा गायों के साथ, गायों के काम करेंगे और सेवा करेंगे, दूध निकालना है, खाना पीना। अब तक तो माँ बाप के साथ नहीं है तो मेरा तो परिवार जहाँ है वही परिवार है, यही परिवार, यहाँ रहे तो यही परिवार, वहाँ हरियाणा रहे तो वो परिवार, यही परिवार। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आदमी बड़ा हो जाता है फिर उसके आते तो बोलता मना करता मैं नहीं जाऊँगा मेरा परिवार यही है, उसका मन लग जाता है वहीं पे, बहुत स्टोरी ऐसी होती है। कोई बाबा जी बन जाता है मंदिर में चला जाता है वो भी नहीं जाता, मेरा परिवार मेरा घर यही है। रामदेव भाई एक हतो तो भगवान कितली आपी दीता, 4-5 आपी दीता। पिछले जन्म का कोई तुम्हारे से मिलना हो मेरा।
नहीं अगले जन्म का कुछ ना कुछ होता है, टाइम हो कि नया दर जवान से कुछ ना कुछ लिखा होता है, वरना कोई मिलता नहीं है ऐसे एक मिनट के लिए भी। कुछ अगले जन्म का होगा फिर है ना। मैं हमेशा उठता बैठ जब वास लेता हूँ ना जमाई, तो मुँह से राम ओम राम राम ही निकलता है। अच्छा राम ओम राम ओम राम भी निकलता है। दो नाम तो तुम्हारी फैमिली की अबे मिल गई है ओम न राम। राधा मीरा तुलसी आबा आउटसाइड हमारी वेगड़ गोरल इनसाइड। मैंने अभी सूर्य नमस्कार खत्म किए, फ्रेश होके अभी आई हूँ। और आज वाली बहन नहीं आई क्योंकि वाली बहन तो कल से भूखा था, तो आज किरण हेल्प कर देगी काम में। मीनू बाहर निकल, चल 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 आजा बाहर। गुड। तो यहाँ पे ताज़ा मक्खन में निकल रही हूँ, तो वाली बहन नहीं आई आज, तो निकाल लेते और आज की भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे घर के गलत है उसकी सब्जी बन रही है, साइड मैंने घी रखा है, तो शिव के लिए बेसन और बाजरी का पूरा हो गया है। आज वाली बहन नहीं आई है तो मेरी लाइफ लाइन आ गई है यहाँ पे, और वो लाइफ लाइन मेरी यहाँ पे है जो मुझे हेल्प कर रही है। मेरी बड़ी बहन है या छोटी बहन वो अभी हम डिसाइड करेंगे। किरण अपना आधार कार्ड देख के आएगी, फिर देखेंगे कि कौन बड़ा है। आधार कार्ड में तो ऊपर नीचे भी कर देते हैं। फिर किसके ऊपर विश्वास करें? क्यों जोर करो, क्या हुआ? हाँ वो टायर डाल दिया, कहाँ गया? नहीं मिल रहा है टायर। टायर गुम। यहाँ पे आज पीछे वाली जो गौशाला है खुली वाली, इसमें साफ सफाई चल रही है और चार लोग कर रहे हैं, सब के सब काम कर रहे हैं। तो फिर ट्रैक्टर चलाएंगे इसमें, ताकि ये जो मिट्टी है जमी हुई उसको भी थोड़ा बिखेर देंगे और गायों के लिए ओपन स्पेस हो जाएगा पूरा। सबको सबके गायों के यहाँ है, तो जिसको जो मन चाहे इसमें से वो चाट लेती है। इस साइड आज पूरा काम चल रहा है, तो हम ट्रैक्टर लेते हैं वहाँ पे। तो अभी ना एक हमारे यहाँ माउंटेन में भी बहुत सालों पहले एक बच्चा खो गया था, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया है, वस्ता भाई की कास्ट से ही है, रबारी समाज से, तो वो लोग आए हुए और प्रफुल भाई से मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को नहीं लग रहा है कि प्रफुल भाई उनके बेटे हैं। कान में भी वो करवाया हुआ है लेकिन अभी भी उन लोगों को नहीं लग रहा है। तो अभी उसके मम्मी जी को दूसरा, वो तीन भाई थे तो एक भाई गुम हो गया था, तो मम्मी जी को लेके आ रहे, मम्मी जी देखेंगे, क्योंकि वो बच्चा भी मतलब 4-5 साल का था तब गुम हो गया था, तो वो पहचान नहीं पा रहे। वो बोल रहे कि ये हमारा बेटा नहीं है। तो अभी मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को, रामदेव बताएगा गाड़ी की डिटेल्स। और एक मिनट होप लगता है कोई आता है ना देखने के लिए अभी प्रफुल भाई को, तो ऐसा लगता है कि प्रफुल भाई के पेरेंट्स हो, एक दूसरे को जान जाए कि हाँ यही मेरा बेटा है, लेकिन पता नहीं वो टाइम कब आएगा। तो अभी क्या हुआ कि प्रफुल भाई कल से आया ना, उन्होंने एक हमें नया आइडिया दिया है लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि वो खुद घूम गए थे यहाँ पे आसपास में। यहाँ पास में जो बड़ा डूंगर है माउंटेन, वहाँ पे बाड़ा नेस करके एक है, वहाँ से ये भाई मेरे जानने वाले हैं वैसे,
जब हम किलेश्वर वगैरह जाते हैं तो ये रबारी समाज के लोग हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनके बेटे गुम हुए 5 साल के उम्र में और वहीं से हुए माउंटेन से, मतलब आधे घंटे में ही लड़का खो गया इनका एक बेटा, 3 बेटे हैं उसमें से, तो दूसरे नंबर का जो बेटा है। तो इनको पता चला अवस्था भाई के थ्रू कि ये हमारे यहाँ प्रफुल्ल भाई आए हैं, तो आज ये कन्फर्म करने आए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है उनके जो गुम हुए वो बेटे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे गुम गए होंगे और कहीं पे है वो अगर, और वीडियो देखते हैं, या तो आप इतना शेयर करिए वीडियो को कि इनके जो बेटे गुम गए वो इनको मिल जाए और प्रफुल्ल भाई को इनके मम्मी पापा मिल जाए। तो अभी तो है कल से प्रफुल्ल भाई काम वाम कर रहे हैं यहाँ गायों के साथ, वस्ता भाई के साथ उधर घूमने गए थे सब जगह खेत वगैरह में। एवं थी जाए, एवं थी जाए, एवं थी जाए, यहाँ गमे गमे ना। तो प्रफुल्ल भाई को अभी तो यहाँ पे मिल गया, ऐसा ही है कि घर तो मिल गया है, लेकिन इनके जो माँ बाप है जन्मदाता, वो खास करके मम्मी की याद आती है ऐसा बोल के वहाँ से भी वो निकले कि मम्मी अगर एक बार मिल जाए, और ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ कोई ऐसा इश्यू है नहीं, यहाँ पे रह सकते हैं प्रफुल्ल भाई को जितना रहना है, और काम वाम का भी कुछ अगर कहीं जाना है करने तो वो भी कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रफुल्ल भाई की जब बात आई, वीडियो आया, तो इन लोगों को भी पता चला, तो ये आए थे कन्फर्म करने कि काश इनका बेटा हो ये, लेकिन वैसे है नहीं, फिर भी इनके अभी जो वो आईमा है, हाँ, इनके कितना 18 वर्ष थी गया। वस्ता भाई थरू अमने वाया वाया हमें सारथी हाँना 8-9 वगे खबर पड़ी, एट के भाई अपना तमारू नाम आयु के रामदेव भाई विडिया वाला नंबर मारा आगे था, एट मैं तमने सीधो फोन कर, ते कीधु के कहीं वो नहीं, ते फोटो मोकलो, એટલે ફોટામાં જોયું તો એ અમને એમ ટૂંકમાં હીરા બાપા નાનો હતો એટલે કઈ ટપ્પો ન પડે, અને આશા કે ગમે ત્યાં વાવડ આવે ને આપણે એકવાર જવાનું ભલે જે હોય, એટલે આજે અમે આવ્યા એ હીરા હતા, બીજો હાંઠિયા નો ફેરો ભરવા આવ્યા, હાંઠિયા નો ફેરો ભરવા આવ્યા ને એ સમય દરમિયાન ત્યાં નદીમાં આ 3-4 બિનભાઈ પાણી ભરવા આવ્યા, વડલે ત્યાંથી ઓલા પાણી એટલું કોઈ ડૂબી જાય એટલું પાણી નતું, આમ ટૂંકમાં ઝરકડું હતું એમાં, કઈ કાયમ છોકરા જતા હોય જાય નઈ, પીવાના પાણી નું જતું, એટલે આમ કોઈ મોટો કુનો એવું કઈ તરાવ કઈ નતું, નદી જતી નદી પાછો ખોવાણા પછી 1/2 કલાક ની અંદર તેની ગોતવા, હા 1/2 કલાક માં ગોતવા માંડ્યા, ડુંગર માં કા હોય આપડા બરડામાં બધા લગભગ રબારી દાયરો રીએ બધા વધારે, તે એક બીજા ઓળખતા જ હોય, પાકા ખબર નો કે આ કીણું હે ટાયું, તો એને ખબર જ હોય કે કોક નું આપડા નેડા નેડા ટાયું ટાયું હે, પછી ન્યા બાજુ આજુબાજુ જો કઈક કઈ પ્રાણી નું કયું કઈ થયું હોય તો રાઈડ નાખે તો સંભળાય ને, નદી માં તો જરાક બોલીએ ને એટલે એનો પડઘો મોટો આવે, અવાજ બહુ આવે, કોઈ કોઈ જાતનો અવશેષ સંભાળ લુગડા કઈ જડ્યું જડ્યું જ નથી, પ્રફુલ્લ ભાઈ કા યે હૈ કે પ્રફુલ્લ ભાઈ કો ઉનકા પુરાના કુછ ભી યાદ નહીં, ના તો ઘર ના પાપા એસા કુછ ભી, નામ ઇનકા પ્રફુલ્લ ભાઈ ઓર ઇનકી મમ્મી કો યે બોલ રહે કે મેં દેખુંગા તો મેં પહેચાન જાઉંગા મમ્મી કો, એસા ઇનકો લગ રહા હૈ ક્યોંકી યે ભી છોટી ઉમર મેં અરાઉન્ડ 9-10 સાલ કી ઉમર મેં ગુમ હુએ હૈ એસા અનુમાન હૈ, જહાં પે જિનકો મિલે થે ઉનસે મેરી કલ બાત હુઈ હરિયાણા મેં તો ઉન્હોને બોલા કે અરાઉન્ડ 17-18 સાલ સે તો વો ઇધર હરિયાણા મેં હૈ ઓર 9-10 સાલ કે થે રફલી તબ સે, ક્યોંકી યે એજ કા અંદાજ લગાને મેં ક્યા હોતા હૈ કે હમારા કપિલ જો હૈ ઉસકો 9 સાલ હુઆ હૈ ઓર હમારા ઓમ હૈ ઉસકો 10વા સાલ ચલ રહા હૈ, તો ઓમ હાઇટ મેં બડા હૈ કપિલ છોટા હૈ, તો યે જિન્સ કે હિસાબ સે હાઇટ છોટી મોટી હો સકતી હૈ, તો ઉસમેં 2-3 સાલ કા ડિફરન્સ હો સકતા હૈ, તો ઉસ હિસાબ સે ઇનકો ભી ये जो आईमा एक आ रहे हैं इनके वाइफ, तो वो देखेंगे, उनको भी आना था क्योंकि जिनका जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एक छोटा बच्चा हमारा जब घूम जाता है तो ये एक अलग ही टाइप का दर्द है, इसमें क्या होता है कि हमें है कि वो है कहीं पे, भगवान हमसे छीन ले वो तो एक कन्फर्म हो जाता है कि हमारे सामने किसी की भी मौत हो जाती है अपने किसी की भी,
भाई बहन माँ बाप या बेटा बेटी कुछ भी, तो हम लाचार है भगवान के सामने और हमें कन्फर्म हो जाता है कि ठीक है उसको भगवान ने ले लिया। लेकिन जब गुम होता है ना तो ये हमें लाइफ टाइम रहता है कि वो कहीं है, हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये एक अलग दर्द है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग घूमे हैं, जिनके बच्चे घूम गए, जिनके मम्मी पापा या तो अपना कोई भी परिवार का, वो उनको वापस मिल जाए, तो हमेशा कोशिश करेंगे और होपफुली मिल जाएंगे सबके, इनके भी और इनके माँ बाप भी। आज पूरा मम्मी और किरण ने हेल्प कर दी थी, तो ये साफ कर दिया, दूसरे जो एक्स्ट्रा चूल्हे वो निकाल दिए, बस एक ही चूल्हा रखा है यहाँ पे और लीपण कर दिया है पूरा। कुछ बातें बताओ दोस्तों को। बटको पर बनो ऐसी बाइक नहीं करना, सी कोई इंग्लिश अच्छी लगती है, लेकिन एक मिनट रुको। खेत में काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो जुआर थी वो हुई नहीं थी तो इसमें ग्रास हो गया था, तो ग्रास भी अभी निकाल लिया है। प्रफुल भाई को कैसा, आज बहुत काम किया है ना? हाँ आज बहुत काम किया। अच्छे से नींद आ जाएगी। आज गायों का शायद गोबर का काम किया, फिर अभी यहाँ खेत में कुछ हेल्प कर रहे थे। अभी आपको ना टाइगर से दोस्ती कर लेनी है, ठीक है? टाइगर से? हाँ, मैंने खुला किया है, वो अभी आएगा, इसको हाथ फेरना। हाँ। टाइगर ऐसे करना है, अभी करो वरना आ रहा है पास में। टाइगर चल, टाइगर टाइगर चल, टाइगर कहाँ ले गो शिव, टाइगर कहाँ थे, क्यों करता पड़े पड़े गो आई पड़े हुई मैं बे गो टाकरिया जा अरे जो खाली के चीज से जा ये नहीं ना कहीं। अभी टाइगर ने खुशबू ले ली हाथ की, अभी वो दोस्ती कर लेगा धीरे धीरे। इसको टाइगर टाइगर बोलोगे ना तो मतलब दोस्त हो जाएगा। टाइगर टाइगर दोस्ती कर लेना, ठीक है? आपको क्या लगा था प्रफुल भैया जो आए, आपको लगा था कि नहीं नहीं लगा था? वो फीलिंग नहीं आया ना, फीलिंग ही नहीं आई कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये लगा दिए इधर रिंगना के झाड़, कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा दिया ना, इतने ये लगा दिए ना, तो बैंगन खाने अभी ताजे वाले, विंटर में स्पेशल ओरा बना के, विंटर स्पेशल ओरा मिलेगा यहाँ पर। प्रफुल भाई ने भी हेल्प करके लगा दिए पूरे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा आपने, ओ वहाँ पे पप हो गए थे। भाई को लगा है, देखो कितना लगा है ना, देखो यस वो खून है सर, यस भाई को लगा, वो गिर गया। अभी तोरल को बाहर खोला है तो थोड़ा वो मतलब इतना तो अब जंपिंग नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा चक्कर लगा ले, वॉकिंग हो जाए इसका। अभी काउ मिल्किंग चल रहा है और घोड़ी थोड़ी देर चक्कर लगा ले, फिर घोड़ी अंदर चली जाएगी और गाय आ जाएगी यहाँ। तोरल अभी टाइम है तुम्हारा खाने का, रुको थोड़ी देर, जाओ आराम से तोरल। अभी मम्मी और प्रफुल भाई कर रहे थे कुछ नाश्ता और टाइगर की दोस्ती अभी हो गई है, तो अभी टाइगर के काटने का डर नहीं है, टाइगर का डर नहीं है। प्याज तीखा गाठिया कुछ ऐसा नाश्ता किया है? ओए इसको जंप करने दे एक बार, वो फ्रॉग ऐसे जंप करता है, वो नहीं पता था। धीरे धीरे वावणी हरियाणा में मूंगफली, यहाँ पे गुजरात में ज्यादा होती है, हमारे साइड सौराष्ट्र में। ऐसे नहीं करता,
वहाँ पे बाजरा ही एक महीना खाते, बस एक महीना डेढ़ महीना, फिर सिर्फ गेहूँ। चुवार खाते, मक्की खाते, ये वो भी नहीं, सिर्फ गेहूँ। तो अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, लखू भाई, करण आए, नयन भाई और प्रफुल भाई को आज भूख लगी है थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत कम किए नहीं, अभी नाश्ता कर लिया था तो इतना नहीं, एक रोटला खत्म करते बस बाजरी का, और हरियाणा में इतना बाजरी का रोटला नहीं खाया ना, तो अभी बाजरी का रोटला अच्छा लग रहा है यहाँ। और मम्मी और मामी जी वहाँ पे बैठे हुए, नयन भाई के मम्मी, तो वीर पसली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज। फ्रूट सलाद बने हैं स्पेशल वाला, स्पेशल वाला स्पेशल वाला। अभी सारे के सारे खिलौने रख दिए है वापस, सी वजह कहाँ पड़ी, आकर आडू पड़ी, अजय आम भी पड़ी, फिर कहाँ करे अजय एक पड़ी वहाँ वालू वगाड़वा। लखू भाई ने आज मुझे पहले ही वीर पसली दे दिया है, अलग ही व्यू आता है ना, सब कुत्ते बिल्ली बत्ते बहुत अच्छी लगती है वीडियो। अभी कुछ अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग हमें कोई हेल्प करो इसमें, एक तो ये है कि प्रफुल भाई के दोनों कान क्या बोलते हैं प्राइजिंग किए हुए, हाँ पीनते हुए जो बोलते हैं, दोनों में होल मतलब कान पीनते हैं हमारे हमेशा बोलते हैं, और इसको पर्सिंग भी बोलते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ समाज में करते हैं, कुछ बचपन से किया हुआ है, जो कास्ट है जैसे भरवाड़ हो गए, रबारी हो गए, चौधरी हो गए, पटेल में करते होंगे, शायद ठाकुरों में भी है, हमारे में पहले हुआ करता था, लेकिन इनकी जनरेशन के टाइम वो नहीं है, मतलब अभी हम लोगों को कोई, हम बच्चों के कान नहीं गिनते, लेकिन रबारी समाज में है हमारे साइड के, फिर शायद देसाई रबारी जो होते हैं उनकी साइड है, लेकिन एक अभी इनका क्लू मिला है, किसी ने कॉमेंट की थी कि इनको पूछिए कि कौन से मंदिर ये जाया करते थे जब ये बच्चे थे, तो इनको मतलब मिजरेबल हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, तो मैंने बोला कि कौन सा मंदिर जा, बोले अंबाजी का मंदिर जाता था मैं, अंबाजी का वो तुमने पूछा फटाक से बता दे, फटाक से बता दे तो था तो हाँ। और दूसरा एक ये है कि हरियाणा में अंबाजी का मंदिर नहीं होता है, अंबाजी का मंदिर नहीं है, तो इसका मतलब ये जब गुजरात में थे तब अंबाजी के मंदिर, मंदिर बनासकांठा साइड में, आई थिंक उत्तर गुजरात में सब जगह होते हैं, उस साइड कहीं अंबाजी के मंदिर ज्यादा मंदिर नहीं होते, इतने ज्यादा नहीं है, कम है, बाकी मुझे लग रहा है ये पटेल समाज से है या तो ये ब्राह्मण समाज से, वो जो क्योंकि प्रफुल्ल भाई नाम पटेलों में भी होता है, बहुत से पटेल हैं, ओ ये देखो मेरा यहाँ पे कॉपी लग रहा है, हाँ। कुछ पापा के ड्रेस याद है आपको, पापा के साइड का, दादाजी का, नाना जी का, कुछ कैसे कपड़े पहनते थे, वाइट या कलरफुल या ऐसा कुछ, हाँ, वाइट और धोती वगैरह, धोती पहनते थे, धोती याद है थोड़ा थोड़ा, पैंट शर्ट भी, तो शायद हो सकता है हेड पे मतलब चोट का निशान है, इसका मतलब लगा है कुछ, और वो इनको एग्जैक्ट नहीं पता वो क्या लगा है, तो जो भी हुआ इनके साथ हादसा, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप बी केयरफुल, आप फार्म हाउस पे रहते हो तो किसी अनजान का भरोसा ना करें, वो भी मतलब एक टाइप से उनकी बात सही है, लेकिन हम उस हिसाब से कभी देखते नहीं है, और फार्म हाउस पे तो हम पीढ़ियों से रहते, मतलब बहुत सालों से रहते, और उसके लिए तैयार भी रहते हैं, जब फार्म हाउस पे जो लोग रहते हैं ना वो अनजान लोगों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो कोई भी अनजान वहाँ आने से पहले 10 बार सोचता है फार्म हाउस पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में, हाँ मतलब वीडियो में कमेंट आती है, और अनजान लोग हैं तो वो बोल रहे थे, लेकिन ये अच्छे है प्रफुल्ल भाई, अच्छे इंसान है, और बुरे इंसान तो हमारे इधर आते ही नहीं है वैसे, बुरे इंसान आस पास भी कहीं नहीं फरकते, तो आते है तो नहीं आते तो अच्छा है, और ये तो अच्छे इंसान है। प्रफुल्ल भाई कैसा लगा आपको, एक दिन हो गया, दो दिन नहीं एक दिन हुआ, डेढ़ दिन हुआ, अभी नींद आ रही है ना, अभी अभी देखते एक दो दिन में हमारे वीडियोस आगे जा रहे हैं तो कोई न्यूज आए कहीं से, और पोपट भाई का भी बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं कि पोपट भाई को बताइए और उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि कहीं रहना है, रहने की या ये रहने के लिए नहीं बोल रहे कि मुझे जगह दे दो,
ना तो ये पैसों के लिए बोले, उन्होंने पहले आके कल क्लियरिफिकेशन किया था कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए ना रहने की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं। वो बोल रहे कि वो तो उनको वहाँ भी बहुत है उनके जानने वाले, हरियाणा में बहुत साल रहे, तो लेकिन उनको है कि उनके माँ बाप मिल जाए। और ऐसा भी नहीं, रोक लिया है मैंने, बोला वो होटल में रुके थे तो मैं बोला कि आप एक दो दिन रुको, उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो फिर जाओ। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि अभी जल्दी जल्दी मतलब पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, वो अभी तक रहते हैं पेरेंट्स के बिना, लेकिन अभी क्या है कि मिल जाए तो ऑलमोस्ट वो 90% लाइफ अब तक की बिना पेरेंट्स के ही रहे। बैठ जाओ सेव इसमें, सो जाओ, हुए जाए मुझे तो बहन, पैक हो जाओ, फिर तुम्हारे ससुर के घर भेज देते। सो जाओ एज अ गिफ्ट, हुए जा सेव ना बे होने, हुए जा। लखू भाई आपको क्या लग रहा है, प्रफुल्ल भाई का फैमिली कौन सी दिशा में मिलेगा? उत्तर गुजरात। उत्तर गुजरात में बनासकांठा और कौन कौन से? बनासकांठा, बनासकांठा, सोबरकांठा, कच्छ। कच्छ धोती का बोल रहे हैं तो कच्छ की साइड भी हो सकता है ना? धोती का बोल रहे तो कच्छ की साइड, कच्छ की साइड बहुत लोग वो भी बोल रहे थे कि 2001 में जो अर्थक्वेक आया था गुजरात में, तो इसके बारे में पूछो तो मैंने पूछा तो ये बोल रहे कि तब वो हरियाणा में थे। ओके 2001 में वो हरियाणा में थे, है ना? यहाँ थे या हरियाणा में थे? हरियाणा।